जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं अध्ययन केंद्र। इस वीडियो के माध्यम से अभी आप पढ़ रहे हैं बिहार एक परिचय एक्सरसाइज है। बिहार में अफगान राज, ये मध्यकालीन मीन्स बिहार हिस्ट्री है। तो पहला प्रश्न है अभी आपका, बिहार में अफगान सत्ता के आरंभिक उत्कर्ष में निर्णायक देन था किसका? नूहानी कबीले की, नूहानी कबीले की। आंसर है डी, सिकंदर लोदी ने 1495 से 96 में किसे बिहार का प्रभारी नियुक्त किया था? दरिया खां नूहानी को, दरिया खां नूहानी को। हुसैन शाह सारकी को पराजित कर इसे बिहार का प्रभारी बनाया गया था। अच्छा, इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। बिहार में नूहानी राज का संस्थापक कौन था? मोहम्मद शाह नूहानी, मोहम्मद शाह नूहानी। मोहम्मद खां नूहानी का असली नाम बहार खां था। इसने दिल्ली सल्तनत से अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी। उत्तर बिहार का श्रेय सारण इत्यादि एक अन्य अफगानी नसरुद्दीन खां के अधीन था। महमूद लोदी को विस्थापित कर बाबर ने किसे बिहार का प्रशासक नियुक्त किया था? जलाल खां को, जलाल खां को। मोहम्मद शाह नूहानी का पुत्र था जलाल खां। अब है सूर साम्राज्य मीन शेर खां को, सूर शाह या शेर शाह भी कहा जाता है। सूर खां का संस्थाप सूर वंश का संस्थापक कौन था? शेर शाह। शेर शाह का बचपन या मूल नाम क्या था? फरीद खां। शेर शाह को शेर खां की उपाधि कब दी गई? मोहम्मद नूहानी ने दिया था जब वो हुमायूं को हरा दिया था, या यहाँ पे लिखा गया है शेर मारने के उपलक्ष्य में उन्हें शेर खां कहा गया था, पर कहीं कहीं लिखा है कि हुमायूं को जब आप हरा दिया था वो, तब उसको शेर खां कहा गया था। शेर खां के पिता हसन खां जहांगीरदार थे सहसाराम के, सहसाराम के। शेर खां बिहार के किस शासक के संरक्षक नियुक्त हुआ था? ये हुआ था जलाल खां, जलाल खां का। बिहार में शेर शाह का राजनीतिक वर्चस्व किस युद्ध में उसकी विजय के साथ स्थापित हुआ था? सूरजगढ़ का युद्ध, सूरजगढ़ का युद्ध। शेर शाह ने किस युद्ध में हुमायूं को पराजित किया था? चौसा का युद्ध में और बिलग्राम अथवा कन्नौज का युद्ध में। आंसर क्या है यहाँ पे? सी, शेर शाह ने बिलग्राम अथवा कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को पराजित कर स्वयं को दिल्ली का सुल्तान घोषित किया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। शेर शाह द्वारा पटना के नवनिर्माण का वर्णन किस रचना से मिलता है? तारीख़े दाउदी से, तारीख़े दाउदी। शेर शाह द्वारा अफगान राज्य की पुनर्स्थापना किस युद्ध के उपरांत हुआ था? कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध, कन्नौज और बिलग्राम के युद्ध। शेर शाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला कहाँ पे था? सहसाराम में, सहसाराम। बिहार का अंतिम अफगान शासक कौन था? दाउदी खां करारानी, दाउदी खां करारानी। शेर शाह का मकबरा कहाँ था? सहसाराम में, सहसाराम। शेर शाह द्वारा पटना का दुर्ग और पटना को राजधानी बनाने की चर्चा कहाँ मिलती है? तारीख़े दौदी में, तारीख़े दौदी। किसके द्वारा लिखा गया था? अब्दुल्ला के द्वारा, अब्दुल्ला। शेर शाह द्वारा कौन सा कार्य किया गया था? उपयुक्त सभी मीन्स जब्त प्रणाली की शुरुआत, रुपये का प्रचलन और सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का प्रयोग। बिहार राज्य में स्थित सासाराम जो रोहतास के किले का निर्माण किनके द्वारा करवाया गया था? शेर शाह के द्वारा, शेर शाह। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य शेर शाह के द्वारा नहीं करवाया गया था? तो इबादत खाना का निर्माण नहीं करवाया था, ये अकबर करवाया था, जबकि देश की भूमि का सर्वेक्षण, ग्रैंड ट्रंक रोड, किसानों को पट्टा देने और कबूलियत की प्रथा का आरंभ, ये सब शेर शाह के टाइम में शुरू हुआ। मध्यकाल में पटना का निर्माण करवाया गया था शेर शाह के द्वारा, शेर शाह। सासाराम किसके मकबरे के लिए प्रसिद्ध है? उपयुक्त सभी मीन शेर शाह सूरी, इस्लाम शाह और हसन खां सूर के मकबरे के लिए प्रसिद्ध है। शेर शाह के मकबरा के संदर्भ में कौन सा कथन सही? यहाँ पे सारे कथन सही है। मीन्स यह झील के मध्य स्थित अष्टकोणी आकार का है। यह मकबरा चौकोरे चबूतरे पर बना है जिसके चारों ओर क्या है? सीढ़ियाँ हैं। एक छत एक भव्य गुंबद के रूप में। आंसर डी है, सभी सही है। पटना के प्रांतीय राजधानी बनाया था, पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था शेर शाह ने, शेर शाह। सुप्रसिद्ध सूफी संत बरन, शेख वरन किस अफगान शासक के समकालीन था? ये था शेर शाह और द इब्राहिम खान, सॉरी इस्लाम खां। शेर शाह और इस्लाम खां के समकालीन था। आंसर है यहाँ पे सी। अष्टकोणीय मकबरों की श्रृंखला का अंतिम मकबरा कहाँ पे? इस्लाम शाह का, इस्लाम शाह। अभी ऊपर पढ़े थे इस्लाम शाह। शेर शाह के अधीन बिहार में कितनी सरकारें थीं? सात, सात। शेर शाह द्वारा पटने किले और नगर बनाने में कितना व्यय हुआ था? 5 लाख, उस टाइम में 5 लाख हुआ था। अब है मुगल कालीन बिहार, ये मध्य
मीन्स जो इतिहास होता है उसका ये एंड होगा मुगल कालीन बिहार के बाद। पहला प्रश्न है, बिहार को सर्वप्रथम अपने साम्राज्य में मिलाने वाला मुगल शासक कौन था? अकबर। अकबर, बिहार में मुगल साम्राज्य के प्रांत का दर्जा दिया गया था 1580 में। 1580 में किस मुगल शासक ने मनेर की बड़ी दरगाह का भ्रमण किया था? बाबर ने। बाबर मनेर का भ्रमण किया था। किस मुगल शासक ने मनेर में बंगाल के सुल्तान को भेंट में दे दिया था? हुमायूं। किस मुगल शासक ने मनेर में बंगाल के सुल्तान से भेंट की थी? हुमायूं ने मीन्स भेंट किया था, उनसे मिला था। पटना की विजय में किस मुगल शासक ने भाग लिया था? अकबर ने। अकबर, किस मुगल राजकुमार ने अपने विद्रोह के क्रम में बिहार में शरण ली थी? शाहजहां ने। शाहजहां, मुगल कालीन बिहार में कितनी सरकारें थीं? सात। सात, अकबर कालीन बिहार के सूबेदारों में सबसे प्रसिद्ध कौन था? राजा मान सिंह। राजा मान सिंह। बिहार, किस मुगल सूबेदार ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाया? राजा मान सिंह ने। राजा मान सिंह ने। किस मुगल शासक ने समय में बिहार में सर्वाधिक विद्रोह हुआ था? अकबर के टाइम में। अकबर के टाइम में सबसे अधिक विद्रोह हुआ। बिहार में मुगल कालीन इमारतों में सबसे पुराना कौन सा है? हाजीपुर का जामा मस्जिद। हाजीपुर का जामा मस्जिद। राजकुमार अजीम द्वारा अजीमाबाद को बसाने में कितना व्यय हुआ था? 1 करोड़। 1 करोड़। बिहार में राजकुमार अजीम का कार्यकाल कितना रहा? 1702 से लेकर 1712। औरंगजेब के शासनकाल में बिहार में सरकारों की अप्रमंडल की संख्या कितनी थी? एक बढ़ गया, 8 हो गया, पहले 7 था। किस मुगल शासक के शासनकाल में खोखार देश यानी छोटा नागपुर जो झारखंड के आसपास है की विजय संपन्न हुआ था? जहांगीर के टाइम में। जहांगीर, सिख गुरुओं में से किन का बिहार से घनिष्ठ संबंध रहा था? गुरु, 1 मिनट, गुरु नानक देव का भी था, गुरु अर्जुन देव का भी था और गुरु नानक देव का भी था। यहाँ पे अर्जुन देव सॉरी नहीं था, अर्जुन देव वही है जो अमृतसर का मीन्स मंदिर बनवाए थे। गुरु गोविंद सिंह जिनकी 50वीं जयंती मनाया गया था, 150वीं से, गुरु नानक और गुरु तेग बहादुर, इन तीनों का बिहार से घनिष्ठ संबंध था। किस मुगल सम्राट के शासनकाल में बिहार पर दिल्ली का नियंत्रण वस्तुतः समाप्त हो गया? फरुखो सियर के टाइम में। फरुखो सियर। ईरानी यात्री मोहम्मद सादिक किस मुगल शासक के समय में बिहार आया था? जहांगीर। जहांगीर के समय में ईरानी यात्री अब्दुल लतीफ किस मुगल शासक के शासनकाल में बिहार आया था? अकबर के टाइम में। अकबर, राजा मानसिंह को बिहार प्रांत का प्रांतपति नियुक्त किया था? अकबर ने। अकबर, बिहार मुगल शासक जहांगीर ने 1621 में किसे बिहार का प्रांतपति नियुक्त किया था? राजकुमार परवेज को। राजकुमार परवेज को। राजकुमार अजीम को किसके द्वारा बिहार का सूबेदार बनाया गया? औरंगजेब ने बनाया। औरंगजेब, पटना को अजीमाबाद नाम दिया राजकुमार अजीम ने। राजकुमार अजीम ने पटना को अजीमाबाद नाम दिया। वो प्रथम मुगल सम्राट जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ था? फर्रुखो सियर। फर्रुखो सियर, किस मुगल शासक का राज्याभिषेक पटना में हुआ था? वही सेम प्रश्न, फर्रुखो सियर। किस मुगल शासक के काल में बिहार में बंगाल के नवाबों का नियंत्रण स्थापित हुआ? बहादुर शाह प्रथम के टाइम में। बहादुर शाह प्रथम के टाइम में बिहार में बंगाल के नवाबों का वर्चस्व आया। मीन्स मुगल प्रांत बनाने के उपरांत बिहार का गवर्नर कौन था? मिर्जा अजीज कोकलतास। मुगल कालीन बिहार का गवर्नर कौन रहा? उपयुक्त सभी मीन्स मुबारक खां, सईद खां और सुजात खां। बिहार के किस मुगल शासक का राज्याभिषेक अंग्रेजों के संरक्षण में हुआ था? शाह आलम द्वितीय का। शाह आलम द्वितीय। मुगल काल में बिहार का व्यापार किस महाद्वीप से होता था? यूरोप, अफ्रीका और एशिया, तीनों से। बिहार में मुगल स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कौन सा है? मनेर स्थित शाह दौलत का मकबरा, जिसे देखने के लिए बाबर भी आया था। बिहार के मनेर में स्थित शाह दौलत का मकबरा कौन बनाया था? इब्राहिम खां काकर के द्वारा। इब्राहिम खां काकर, इसे जहांगीर के शासनकाल में बिहार के प्रांतपतीय इब्राहिम खां काकर ने बनाया था। बिहार के मनेर में स्थित शाह दौलत का मकबरा के संदर्भ में क्या सही है? तो यहाँ पे ए और बी दोनों सही है। मीन्स इसके निर्माण लाल पत्थर से हुआ है, इस पर अकबर के अधीन विकसित सप्लेसित शैली का प्रभाव है। इसका निर्माण 1617 में हुआ था,
यह बिहार के मुगल शैली का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, बिहार में मुगल शैली का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। 1556 से 57 में मुगल शासक अकबर ने किसके विद्वता का पुरस्कार के लिए उसे मिथिला राज्य दे दिया था? महेश ठाकुर को मिथिला राज दे दिया था। शाहजहां के काल में बिहार का सूबेदार कौन था? शाइस्ता खां। शाइस्ता खां। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिला लिया था? 1576। अकबर ने बंगाल और बिहार को 1575 से 76 तक अपने अधीन मिला लिया था। मुगल काल के किस वर्ष को बिहार को बंगाल सूबे का अंग माना गया था? 1733। 1733 ये आपका मध्यकालीन मीन्स बिहार खत्म हुआ, अब आपका आधुनिक बिहार है। इसमें भी दो से तीन एक्सरसाइज है, वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।